जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। मुफ्ती साहब से बात करनी थी। जी सुन रहे हैं बात, आप फरमाइए। अच्छा मुफ्ती साहब और फहद साहब, आप दोनों को बहुत ज्यादा अस्सलाम वालेकुम। और मुफ्ती साहब, मैं आपके लिए रोजाना दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपकी दुआओं से भी बहुत इस्तेफादा हासिल किया है। हमको ये पूछना है कि जहनी सुकून और दिल की घबराहट दूर होने के लिए कोई दुआ बता दीजिए। और मेरे बेटे ने ख्वाब देखा है, अपने आप को उड़ता हुआ देखा है और 2-3 दिन लगातार देखा है, तो उसका पूछना था ताबीर। ठीक है, बहुत अच्छा इंशाल्लाह। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। माशाल्लाह, सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और आपको खूब बरकतें अता फरमाए। तो दिल के और दिमाग के सुकून के लिए नोट कर लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन। ये जो आयात हैं, ये दुआ बस ये पढ़नी है, या आपने 11 मरतबा पढ़नी है सुबह और शाम। सुबह फजर के बाद पढ़ लें और शाम को मगरिब के बाद पढ़ लें। 11 दफ़ा पढ़ के अपने बदन पे दम करना है और थोड़े से पानी पे दम करके पानी पी लेना है। ये 71 डेज़ की नीयत से शुरू करना है। इंशाल्लाह दिल और दिमाग का आपको सुकून मिलेगा, किसी किस्म की एंगजाइटी या घबराहट वो सब दूर हो जाएगी। बहुत मुजरब अमल है। और इनको बेटा, इन्होंने देखा कि ख्वाब में देखता उड़ता हुआ देखता है 3 दिन से। हाँ, बेटे ने देखा उड़ता हुआ, इसका मतलब है कि उसको इंशाल्लाह ज़िंदगी में तरक्की होगी और बीमारियों से महफूज होगा, और जिस भी मैदान में है, तालीम में है या कारोबार में है, उसमें इंशाल्लाह दिन दुगनी रात चौगुनी उसको तरक्की नसीब होगी। लेकिन यह कि नेकी और इबादत का एहतमाम रखे, नमाज की पाबंदी रखे, तिलावत का एहतमाम रखे, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत उसके साथ रहेगी। बहुत शुक्रिया।